हेलो। हाँ चुगल्लवा जी। और वैदवा जी कैसी हो? पति देव कैसे हैं? अरे बहन, पति का नाम मत लो, सबसे ज्यादा जिंदगी झंड तो इन पतियों ने कर रखी है। कैसे? अरे है, इन पतियों को भी छोटी मोटी सास घोषित कर दो, ये भी कम ताने थोड़ी ना मारते हैं। तुमसे पूरे दिन काम ही नहीं हुआ, तुम पूरे दिन घर में करती क्या हो, ये भी सास से कम थोड़ी ना है। अरे है, और मेरे तो ऐसा बावला पल्ले पड़ा है, ऐसे अपना सामान का ही नहीं पता। सुबह ऐसा दिमाग का चूरन करेगा ये आदमी, मेरी कमीज कहाँ है, मेरे मोजे कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, मेरा टिफिन कहाँ है। अरे बावले, तू रात को लाकर रखता, तुझे नहीं पता कहाँ है। और अगर इससे छोटा मोटा काम बोल दूं कि रुमाल अलमारी में से निकाल लो, अरे पूरी अलमारी बाहर फेंक देगा, गूदड़ बना देगा अलमारी का, ऐसा बावला है। मैं के चली जाऊं ना, मेरा पूरा दिमाग भैया घर पे लगा रहता है, मैं 2-3 दिन से रुकती नहीं हूँ। मैंने कहा उधेड़ के फेंक देगा, पूरा घर जंगल बना देगा। 4 साल हो गए शादी को, अभी तक समझा रही हूँ, जूते बाहर उतार कर आया करो, कमर कमर तक लेकर आएगा, पूरे घर में जूते पहन के घूमेगा। बावला ऊंट हाथ धोकर आएगा, बस तौलिया से नहीं पहुंचेगा, पर्दे से पहुंच लेगा, मेरे दुपट्टे से पहुंच देगा, बेड की चादर से पहुंच देगा, पर्दों से पहुंच देगा, लेकिन तौलिया से ही नहीं पहुंचेगा। अरे ऐसे बावले पत्नी है, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा तो मन करता है इन पर झाड़ू में फेर दूं रख के, लेकिन भैया पाप चढ़ेगा, मार नहीं सकते, गुनाह है पतियों को मारना, मेरा तो बड़ा मन करता है। एक आ गए, अब आते ही खाना चाहिए, पूरे दिन करके आ रही थी, यूं मैं देख कैसे ताने मारेंगे, सास से कम थोड़ी ना मेरा वाला भी। चल कर रही हूँ तुझे, फिर करूंगी।